दो बार शादी कर चुके सबसे बड़ी बात यह है कि रवि जी तो है ही पुरुष और ये जो एडविका चौधरी हैं, ये एक ट्रांसजेंडर महिला है आप इनको अलग अलग नामों से जानते हैं लेकिन मैं उन सभी नामों को यूज नहीं करूंगा जो बता रही थी कि लिंग परिवर्तन भी कराया है आपने इसकी क्या जरूरत पड़ेगी जब आप बोल रहे थे अभी आप बोल रही थी कि कोई कोई डिजायर फुलफिल करने के लिए बच्चा करने करने के लिए महिलाएं नहीं होती है तो फिर आपको लिंग चेंज करवाने की क्या आवश्यकता पड़ती है पर ना हम भी वही रेड लाइट पे खड़े रह जाएंगे और आप भी अपने घर में हमारी बातें बनाते रह जाएंगे ट्रांसजेंडर का मतलब छक्का है। जरा टोली बधाई वाले ट्रेन में जो मांगते हैं रेड लाइट पे जो खड़े रहते हैं यही उसके बाद मारपीट मेरे भाई द्वारा हुई उसके बाद हालात बिगड़ते गए और हम लोग का जो तीन दिन रहना हुआ बहुत ही ये था लग रहा था ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमें मार दिया जाएगा ऐसा लग रहा था मेरे भाई द्वारा मारपीट इनको मारा भी गया अच्छा आपने जो इनसे शादी किया है तो शादी जैसे आपने किया तो आपका आगे फिर कैसे मतलब कि जनरेशन बढ़ेगा ये सब सोच के हो सकता है पिताजी चिंतित होंगे ऐसा तो नहीं कि पैसे के लालच में या फिर जिंदगी आगे सही से जीने के लालच में आपने इनको फंसा लिया वैसा भगत सिंह सबको पसंद है बस अपना घर से नहीं होना चाहिए बेटा आपका नहीं होना चाहिए भगत सिंह सबको पसंद है अगर इनमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम मीडियम है मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूं मैं, मैं ट्रांसजेंडर ये मेरा पर्सनल मामला है नमस्कार कैसे है आप लोग मैं हूँ अभिषेक और स्वागत करता हूँ फिर से अपनी इस नई वीडियो में दोस्तों हमारे बगल में आप दो चेहरा देख रहे होंगे मैं मानता हूँ की अब तक आप इन दो चेहरों से अनजान नहीं होंगे जी हाँ हमारे साथ ये रवि जी हैं और इनका नाम एडविका चौधरी है सही बोल रहा हूँ जी नमस्कार और सबसे बड़ी बात ये है इनके पास आने का कि ये रवि जी ने जो है पूरा मतलब की जो है समाज का जो है पूरी तरह से उलट फेर कर दिया है अब कैसे कर दिया है इनसे हम लोग बात करेंगे एक्चुअली हुआ ये कि रवि जी हैं वो एडविका चौधरी से शादी कर लिए हैं और एक बार नहीं दो बार दो बार शादी कर चुके हैं सबसे बड़ी बात यह है कि रवि जी तो है ही पुरुष और ये जो एडविका चौधरी हैं ये एक ट्रांसजेंडर महिला है आप इनको अलग अलग नामों से जानते हैं लेकिन मैं उन सभी नामों को यूज नहीं करूंगा ट्रांसजेंडर महिला है और लोग किन्नर समुदाय के भी लोग बोलते हैं तो इस तरह का तो सबसे पहले रवि जी आप बताइए कि ऐसा मतलब ख्याल कैसे आया कि आपको लड़कियां जो नॉर्मल ऐसे लड़कियां नहीं मिल रही थी जो आपने ऐसा कुछ किया या फिर आप एक मिसाल कायम करना चाहते थे नमस्ते मेरा नाम रवि कुमार है जी जी हम लोग इंस्टाग्राम से मिले थे करीब डेढ़ साल पहले और ये गरिमा गिरी में रहती थी तो इंस्टाग्राम पे जब आप मिले थे तो आपको पता था कि ये ट्रांसजेंडर महिला है ट्रांस जी जी हमें हम बाहर भी रहते थे तो हम, आज के जनरेशन को तो सब कुछ पता रहता है थोड़ा थोड़ा तो हमें पता था ये एल को अपना इंस्टाग्राम पे लगाई थी तो हमारी फिर मुलाकात हुई और फिर मुलाकात के दौरान तो हम लोग आगे बढ़े दोस्ती हुई फिर हम लोग लंच पे जाते थे फिर उसके आगे इन्होंने बोला कि हमें वर्दी लेनी है और इन फ्यूचर मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो पूरे समाज के साथ खड़ा हो होकर मुझे इंसाफ एक्सेप्ट करे, करे। हाँ। तो वर्दी लेनी है मतलब नौकरी लेनी है हाँ। मतलब वर्दी वाली नौकरी लेनी है वाह क्या बात है देखिए इनका सोच ऐसा है कि इनको नौकरी लेना है वर्दी वाला नौकरी लेना है कोई ऐसा नौकरी नहीं ले तो फिर आपके मन में ऐसा आया कि हम इनका साथ दे सकते हैं हाँ। उस समय आपको ऐसा कुछ ख्याल नहीं आया कि भाई लोग क्या कहेंगे जो परेशानी हो सकती है ये सब जी नहीं सोचा जी नहीं मैंने कभी नहीं सोचा था क्योंकि ये पढ़ी लिखी थी इनकी जो पढ़ी लिखी सोच थी मुझे बहुत अच्छा लगा किए और फिर हम इसी लिंक के साथ आगे बढ़े इनसे पहले किसी लड़की से संपर्क में थे आपका भी नहीं उसके पहले हम नहीं थे और इन्हीं के साथ हम जब आए थे तो इसके पहले कुछ नहीं था अच्छा तो डेढ़ साल पहले आप बता रहे थे डेढ़ साल पहले से आपका इनके साथ कांटेक्ट हुआ वो भी इंस्टाग्राम पे हुआ आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा मैंने वीडियोस आपको दिखाया है फेसबुक से अभी ये आपको नया इंस्टाग्राम से मिल रहा है जो कि इंस्टाग्राम पे लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे ही बहुत लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया जो है लोगों को बर्बाद कर रहा है लेकिन भाई कहीं ना कहीं से तो लोग मिलेंगे ही ना अब सोशल मीडिया चला रहे हैं तो क्या कहेंगे इस तरह का पूरा हुआ है समाज आपको कैसे देखता है देखिए जहाँ तक समाज की बात रही तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, अच्छा अप्रिसिएशन मिला है और मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने समाज बदलने की ओर एक अच्छी कदम आगे बढ़ाई है क्योंकि अब हम युवा हैं इस समाज के हम बिहार के अपने भारत एक नई युवा है और परिवर्तन तो हमें करना होगा एक टाइम था जब सती प्रथा को भी ख़त्म किया गया था और ऐसे बहुत सारे तीन ट्रिपल तलाक ऐसे बहुत सारी मुद्दाएँ हैं जिसपे हमने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और चीजों को खत्म की गई है तो फिर जब ये ट्रांसजेंडर्स की बात आती है तो इनके एक्सेप्टेंस की ओर हम क्यों ना बढ़े एक कदम बढ़े एक कदम आप चले एक कदम हम चले आगे एक्सेप्टेंस की ओर बढ़े ताकि जो समाज में कुछ कुनीतियां हैं वो खत्म हो सके जो लोगों की माइंड सेट है थोड़ी सी चेंजेस उसमें भी आएंगे क्योंकि उनको भी जरूरत है और हमको भी जरूरत है वरना हम भी वही लाइट पर खड़े रह जाएंगे और आप भी अपने घर में हमारी बातें बनाते रह जाएंगे इतना पढ़े लिखे हैं एडमिकल आ, मैं भी साइकोलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रही हूँ वैसे मैं इंजीनियरिंग से डिप्लोमा मैकेनिकल से डिप्लोमा भी की हुई हूँ और मैं भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रही हूँ रहमान सर के यहाँ से देख सकते हैं रहमान सर के यहाँ ये तैयारी भी कर रही हैं तो अभी आपको जो है जो अभी आप लोग अलग रह रहे हैं यहाँ मतलब रेंट पे रह रहे हैं जबकि आपने मुझे बताया ऑफ कैमरा की आप पटना के ही हैं ऐसा क्यों आपको झेलना पड़ रहा है ये सब सारी चीजें रेंट पे रहना मेरा घर आरपीएस पी एस मोर आर एस समाज मंदिर रोड नंबर नौ में है हम चौबीस तारीख को अपने घर लेके गए थे और थाना में हमने सन्हा भी दर्ज कराया है और शाम में साढ़े सात बजे हमें घर पे ले लेके गए क्योंकि उससे पहले हमें मेरे पिताजी की रात धमकी मिली थी तो हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा साढ़े सात बजे हम गए हम बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है था थाना की तरफ से मुझे अच्छी अच्छा लगा जब गए घर पे तो वो लोग हमें एक्सेप्ट कर लिए थाने में भी बोला कि इनको अपने रूम में रह, रहने दिया जाए और न ये बोलेंगे ना आप बोलिएगा उस दिन सब कुछ ठीक था फिर पच्चीस तारीख से मेरे पिताजी ने पिताजी का क्या नाम है सत्येंद्र सिंह सतेंद्र सिंह हाँ जी अच्छा फिर मेरे पिताजी द्वारा बोला गया कि तुम अपना स्टेटमेंट वापस ले लो फिर मेरी मम्मी बोली किसको लेके गए छक्का हिंच जरा उनका मतलब ट्रांसजेंडर का मतलब छक्का हिंच जरा टोली बधाई वाले ट्रेन में जो मांगते हैं रेड लाइट पे जो खड़े रहते हैं ये उसके बाद मारपीट मेरे भाई द्वारा हुई उसके बाद हालात बिगड़ते गए और हम लोग का जो तीन दिन रहना हुआ बहुत ही ये था लग रहा था ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमें मार दिया जाएगा ऐसा लग रहा था मेरे भाई द्वारा मारपीट इनको मारा भी गया बीच बचाव में हम गए तो लेकिन तीन लोग होने के कारण हम अकेले क्या ही कर लेते देख सकते हैं कि लोग बोलते हैं बहुत कुछ बदलने को तो जरूर बोलते हैं कि समाज बदलेगा इनको आगे बढ़ाइए एक इनको आरक्षण के तौर पे भी दिया गया है हर जगह पे लेकिन कोई अपने घर से शुरू नहीं करना चाहता है यही ये यह हमारा जो देश है इसीलिए अभी तक पीछे है ये बता रहे हैं कि ये जब घर पे ले गए तो इनको दो तीन दिन रहना काफी मुश्किल रहा और पहले इनको तो थाने से काफी सहयोग सा, सा, मिला बाद में फिर नहीं मिलने लगा ऐसा भी आप बता रहे हैं तो अभी आपको कुछ मतलब कि धमकियां वगैरह भी आप बता रहे थे कि मिल रही है कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे इसका क्या मतलब जी हाँ मेरे पिताजी द्वारा मुझे धमकियाँ दी थी दी जाती है सी सी एम नीतीश कुमार की तेजस्वी जी के और बोलते हैं कि सब लोग मेरे 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 अंडर में हम तुम समझते ना वी आई पी घर में जन्म लियो सत्येंद्र सिंह के बेटा हो कुछ भी करवा देंगे दारू में फँसा देंगे जान से मरवा देंगे और करेंट लगा के कर गाड़ी में बैठा देंगे और हम लोग सब्जी भी लेने जाते हैं वो गुंडा फिट कर रखे मेरा घर भी देख चुके हैं और इवन मेरे पिताजी द्वारा दस दिन पहले हमें वीडियो भेजा गया कि उन्होंने बोला कि देखो ये पुलिस वाले तुम्हारे पीछे लगे कहीं भी जाओगे रहेंगे ठीक है ना जब हमने वीडियो खोला तो वो एक गुंडे थे अब गुंडा मेरा प्रॉपर पीछा कर रहे थे और घर भी दे। क्या उनका उद्देश्य है वो मार ही देते तो हम के रहते अच्छा आपने जो इनसे शादी किया है तो शादी जैसे आपने किया तो आपका आगे फिर कैसे मतलब कि जनरेशन बढ़ेगा ये सब सोच के हो सकता है पिताजी चिंतित होंगे या फिर ये सोच रहे होंगे कि भाई इनसे शादी कर लिया उनको लग रहा हो कि कुछ आप में कमी है जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपका मिलियन और मिलियन में वीडियो जा रहा है बहुत लोगों का ये भी कॉमेंट सेक्शन में कहना हो रहा है कि भाई कहीं आपने कुछ दिक्कत तो नहीं है जो आपने ट्रांसजेंडर से शादी की है जी मेरे पिता जी पिताजी उन, उनको पता था ये सब बातें ठीक है ना मेरे मेरे पिताजी पिताजी बात बात भी किए थे इनसे फिर को जब पता चला कि ट्रांसजेंडर वो बात करना छोड़ दिए अच्छा क्या कहेंगे आप इनको इस तरह का इल्जाम इन पे लगाया जा रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे देखिए पहले नंबर तो मैं अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आज आपकी बेटी आपके शहर में सुरक्षित नहीं है ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि आपकी आपकी राजधानी में आपकी बेटी सुरक्षित नहीं और माननीय तेजस्वी जिसे भी मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आपसे आ... आपसे प्रोहिणी दीदी की ही भाई हैं आप मेरे भी भाई हैं अगर आप मेरे भाई हैं तो आपके नाम से भी धमकी आ रही है जिसकी चैट प्रूफ हमारे पास है अवेलेबल हम प्रूफ के देने को तैयार हैं और पता नहीं अब इसमें आर को बदनाम करने की कोशिशें हैं या क्या कोशिशें हैं ये अब जांच का विषय है प्रशासन जाँच करे इस पे। पर क्योंकि प्रशासन सारे बिक चुकी है और एक्शन नहीं ले रही है हम लोग को लगातार धमकी पे धमकी मिल मिली जा रही है कब मेरी हत्याएं हो जाए क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है इसकी जिम्मेवार से प्रवीण सिंह के पिता होंगे सिंह माता उर्मिला सिंह और पिता धनंजय सिंह इनके द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है और वो फांसी भी लगाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग को तीन दिन बाद मारपीट के वहां से घर से भगा दिया गया है मैं समाज से क्वेश्चन करना चाहूंगी क्या मैं इस समाज की अंग नहीं हूँ अगर हूँ तो मेरे साथ ये बहिष्कारता क्यों बहुत बड़ी क्वेश्चन है समाज बदलना सबको है लेकिन आपसे ही स्टार्टिंग क्यों ना हो आप आगे आए हमारे सपोर्ट में आए हमें आज आपकी सपोर्ट की जरूरत है सारी प्रशासन बिक चुकी है और हमें आपकी जरूरत है हमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क किए गए कि आपको बच्चा नहीं होगा वंश कैसे आगे बढ़ेगा ऐसा तो नहीं कि कोई अगर आप किसी लड़की से शादी करते हैं क्वेश्चन करते हैं तुम प्रेग्नेंट होगी तुम बच्चे देगी क्योंकि औरतें कोई भी बच्चा पैदा करने की मशीन तो नहीं है सेक्सुअल डिजायर पूरी करने की मशीन तो नहीं है क्योंकि वो उनकी पर्सनल मामला बच्चा पैदा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं और जहां तक बात ही माँ बनने की तो माँ के लिए एक मातृत्व होनी चाहिए ममता होनी चाहिए बच्चा खुद की कोख से पैदा हुई जरूरी तो नहीं है बहुत सारे लोग अपनी कोक से बच्चा पैदा करके नाले और गटर में फेंक देते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और मैं हाथ की रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से आप सामने आए हमें सुरक्षित करे हमें संरक्षण करे अगर आज आपका एक कदम आगे बढ़ेगा मैं लिख के दे रही हूँ आने वाले दो तीन साल में रेड लाइट पे ट्रांसजेंडर आपको कम दिखाई देंगी ट्रेन में कम दिखाई देंगी और जहां मांगती है वहां कम दिखाई देंगी क्योंकि बदलाव के बदलाव को हम एक आगे च, एक कदम आगे चले हैं एक कदम आपको भी चलने की जरूरत है और आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रही है तो मैं जितने भी किन्नर महामंडलेश्वर हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं जो भी जितने भी अखाड़ाए हैं किन्नर अखाड़ाए हैं पूरे इंडिया से मैं सबको आमंत्रण देना चाह रही हूँ कि आप आए हमारे सहयोग में और हमारा सहयोग करे आज आपकी बेटी की जान खतरे में है अच्छा बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि आप मतलब ये रवि जी थोड़ा अच्छे घर से आते हैं जैसा कि इनको लोग जान रहे हैं ऐसा तो नहीं कि पैसे के लालच में या फिर जिंदगी आगे सही से जीने के लालच में आपने इनको फंसा लिया वैसा सर पहले नंबर तो ये बालिक है और मैं बालिक हूँ ये ट्वेंटी नाइन ईयर्स के मैं ट्वेंटी फोर ईयर्स कोई बात होती ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बात को यही खंडित करती हूँ और हमारी मौलिक अधिकार है कि हम एक दूसरे से किसी से भी प्यार कर सकते हैं हमारी सभ्यता हमें सात मौलिक अधिकार देती है तो रही बात फंसाने की तो हमने किसी को नहीं फंसाया है ये बात आप इनसे पूछ सकते हैं ये पुष्टि ऑलरेडी कर चुके हैं मीडिया के माध्यम से और रही बात पैसे की तो मैं खुद भी पढ़ी लिखी हूं मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और मैं बिहार पुलिस की तैयारी करूँ मुझे किसी की पैसे से कोई उम्मीद नहीं है मेरी हाथ सुरक्षित है समाज

तो मैं इनके घर के सामने भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगी और मैं अपनी ट्रांसजेंडर समाज के साथ मजबूर हो जाऊंगी इनके घर सा, के सामने धरना प्रदर्शन करने क्योंकि मैं अपनी हक की रक्षा करने के लिए पूरी में असमर्थ हूँ और मैं जब तक जिंदा हूँ आवाज उठाती रहूंगी लोग आप कह रहे थे कि मारपीट भी हुआ है गाली गलौज भी हुआ बड़े भाई इनके जो है उनका क्या कहना जी जी धनंजय जी के साथ धनंजय जी ने मेरे साथ पच्चीस तारीख को सुबह दस बजकर उनचालीस मिनट पर मारपीट की जिसकी वीडियो मेरे पास संलग्न है अभी तो मैं किसी भी मीडियाकर्मी या थाना अध्यक्ष या किसी भी जो भी लोग समाज के हो तो हूँ मेरे से आगे सारी प्रूफ ली जा, ले सकते हैं मैं प्रूफ देने को तैयार हूँ किस टाइप से उन्होंने मुझे टॉर्चर किया और पुलिस की टाइप से भी की है पुलिस ने सीधा बोला कि मैडम ये पॉलिटिक्स पावर वाले लोग हैं क्योंकि उनके पिता जो है आर में कार्यकर्ता है तो उनके पास पॉलिटिक्स का पावर है तो पॉलिटिक्स के पावर पर दुनिया को जीत लेंगे तो हम भी खड़े हैं यहीं पर हमारे साथ हमारी जनता खड़ी है जनता जनार्दन है हम उसे हजूर की रिक्वेस्ट

लिंक चेंज करवाने क्या आवश्यकता पड़े सर ये मेरी पर्सनल मामला है मेरी, मेरी कुछ मेडिकल थी और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सीधा सीधा, सीधा, सीधा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अगर जो भी लड़के या लड़के करा, मर्जी से बिल्कुल करवा सकते हैं यदि वो बालक है और आ, मैं एक आ, मैं एक बालक हूँ और अठारह साल प्लस हूँ मुझे मेरा अधिकार है कि मैं अपने हिसाब से अपने लिंक परिवर्तन करके अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से दिशा दे सकूं रवि जी क्या कहेंगे क्या करना है आगे आपको आगे देखिए हम आप जंग में कूदे हैं तो आगे जाके फिर हम कोर्ट में जाएंगे नहीं होगा तो फिर धरना प्रदर्शन के साथ रहेंगे। हाँ जी मर्द इन्हीं के साथ रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमें एक नई समाज की संरचना करनी है ऐसी मैं भी समाज की वोटर हूँ मैं भी बिहार सरकार को वोट देती हूँ मैं भारत सरकार को वोट देती हूँ मैं इस वोटर हूँ यहाँ की तो मेरा हक है कि मैं सरकार से क्वेश्चन करूँ और इस समाज निर्माण में सिर्फ औरत और मर्द का ही योगदान नहीं मेरा भी योगदान है तो आज समाज को भी खुल के सामने आने की जरूरत है कि एक कदम आप चले एक कदम हम चले हाथ मिला के हम नई समाज के निर्माण करें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप देख सकते हैं ये हमारे साथ रवि जी हैं एडविका चौधरी हैं इनका वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था इन्होंने इनका कहना है कि हम समाज को बदलेंगे और हम इन जैसे लोगों के साथ शादी करके इनको रेड लाइट से हटाएंगे और बाकी जो आप लोग बोलते हैं जो बदनामी की क्या जो इन पर लगा रहता है कि ट्रेन में इधर उधर लोग मांगते फिरते हैं इधर उधर जाते रहते हैं वो सब चीज़ें बंद करेंगे कम करवाएंगे तो आपके जैसे कोई और लोग खड़ा क्यों नहीं हुआ आप ही बस आगे क्यों आ गए देखिए हम हम आए आगे जाके अच्छा आप पे बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि भाई रवि जी जो है कहीं मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रवि जी में जो मतलब इस तरह के लोगों के साथ आ गए हैं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है ना नहीं